आप सभी को नमस्कार। मैं रामकिरण शर्मा जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के इस लेक्चर में एक बार फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। ये इस यूनिट 3 का तीसरा लेक्चर मैं लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। इसके पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उन सब टॉपिक्स में कैलकुलेशंस आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा थियोरेटिकल चलेगा, हालांकि इसको समझना काफ़ी आसान रहेगा। एक चीज़ जो मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था, वो था साइड लैब, मतलब साइड लैब या एंड लैब, है ना। मतलब कोई भी फोटो है, ठीक है, ये हमारा फोटो है मान लीजिए, तो ये फोटो का ये जितना फ्रेम है, दिस इज नोन एज साइड लैब। और ये साइड लैब बार बार मिलता रहता है, जिस और ब्लास्ट में क्या करते हैं, इन्हीं साइड लैब्स की सहायता से जो फोटोज मिले हैं, इन सबको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए कॉमन पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो इन दोनों फोटोज में ये कॉमन पॉइंट है, तो उसके आधार पर दो फोटोज को मर्ज किया जाता है, है ना। तो ये जिस जो भी हमारे इमेजेस हमको मिल रहे हैं, फोटोज हमको मिल रहे हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। अब कैसे मर्ज करेंगे, ये दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक टाइप के पिक्चर्स मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा मैदान है और अचानक से यहाँ पर पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी हाइट काफ़ी लो है, तो ऐसे कंडीशन में ये एरिए इतना पूरे एरिए का तो एक जैसा पिक्चर आपको मिलेगा, लेकिन इन एरिए के लिए पिक्चर अलग हो जाएंगे। उसमें भी ये अपवर्ड स्लांट है और ये डाउनवर्ड स्लांट है यहाँ पर, है ना, या ये पीक है और यहाँ पर आपको क्रेस्ट मिल रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस को मर्ज करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को हम एक तरह का एरिया मान लेते हैं और उसके लिए हमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट सेट कर देते हैं उसके मिड में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एरिया हमारा प्लेन का है, फिर ये एरिया हमारा माउंटेन का है, तो प्लेन के लिए ये एरिया है, इसका मिड पॉइंट जो है इसको आप ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बोलेंगे, इसको आप GCP बोलेंगे, GCP। इसी तरह से ये जो मिड पॉइंट है इसको भी आप GCP बोलेंगे इस एरिया के लिए, जो गिवन एरिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो GCP एक पॉइंट है जिसकी सहायता से आप उसके अराउंड ढेर सारे इमेजेस को कैप्चर करते हैं फॉर अ गिवन जियोग्राफी, और उन सारे इमेजेस को बाद में मर्ज करते हैं इसी GCP के अराउंड। इस पूरे इमेज, पूरे एरिया का एक इमेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम मैप में इसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो इसी ग्राउंड पॉइंट को आप कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये आपका प्लेन है, और इसको किसी कलर से या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा कोई मैप है और वहाँ पर मान लीजिए हम ट्रायंगल की सहायता से हम फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ट्रायंगल रहेगा वहाँ फॉरेस्ट अवेलेबल है आपका, है ना, वो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट उसको दिखा रहा होगा। हालांकि ये भी आपको क्लियर कर दें कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के लिए सिंबल नहीं होते, बल्कि सिंबल उस पूरे जियोग्राफी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक बात ही है। सो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट एक पॉइंट है जिसके अराउंड सारे पिक्चर्स को कैप्चर किया जाता है और उनको मर्ज करके एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं या पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा होता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। ये हमारे अलग अलग हैं, अलग अलग जियोग्राफी के लिए, ये जियोग्राफी एक तरह का, ये दूसरे तरह का, ये तीसरे तरह का, चौथे तरह का, पाँचवें तरह का, और उन सबके लिए एक ग्राउंड पॉइंट सेट कर देते हैं और उसी के अराउंड सारे पिक्चर्स को कैप्चर किया जाता है। दूसरी जो चीज़ है आपके सिलेबस में वो है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। ये क्या है, सैटेलाइट से जब हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, मतलब आप किसी एनर्जी को, है ना, सोर्स से जनरेट करेंगे, वो अर्थ सरफेस पर इंसिडेंट होगा और फिर वापस सैटेलाइट को जाएगा, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, इसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह का होगा, हमें यह जानना पड़ेगा कि कहां से, मतलब कितनी डिस्टेंस वेव को ट्रेवल करनी पड़ रही है एटमॉस्फेयर में। जैसे यूवी को अगर आप सेंड करें तो यूवी एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, याद रखने वाली बात है, है ना, एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व, स्पेशली ओजोन के लेयर के द्वारा। तो सैटेलाइट जो हमारा है वहाँ से ओजोन लेयर को क्रॉस करते हुए जब रे आगे बढ़ेगी तो ऑब्जर्व कर ली जाएगी। सो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी यूवी, इज इट ओके। आईआर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आईआर का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है दैट इज नॉट सो मच, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रोवेव्स को नॉर्मली यूज करना पड़ेगा, या और भी अलग अलग तरह के आपके वेव्स हो सकते हैं, कितने डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। सो सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका टाइप क्या होगा और कितना एनर्जी को हमें सेंड करना है या रिसीव करना है, ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पहले हमको करनी पड़ेगी।
दूसरा जो हमारा है एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्जॉर्प्शन कितना होगा, वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा, तो अब्जॉर्प्शन कितना है या स्कैटरिंग इफेक्ट कितना है ना, उस EMR के लिए इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके सहायता से ये आपका EMR जो है अर्थ सरफेस पर इंसिडेंट होगा और वहां से फिर इंटरेक्ट होने के बाद वापस लौटेगा, मतलब आप किस तरह के सरफेस के लिए भेज रहे हैं। मान लीजिए आप वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन के लिए आपको पता है IR इज द बेस्ट, क्योंकि IR का रिफ्लेक्टेंस सबसे अच्छा है वेजिटेशन के लिए। माइक्रोवेव का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टेंस है ड्राई सॉयल के लिए, है ना, इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेचर ऑफ सेंसर, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो किस तरह का सेंसर चाहिए। मान लीजिए हम IR हमने सेलेक्ट किया, हमें IR सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी, याद रखिए, है ना। अगर हमने माइक्रोवेव यूज़ किया है तो हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीना की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने विजिबल रेज यूज किया है तो हमें फोटो डिटेक्टर, है ना, फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड की जरूरत पड़ेगी। ये सारी वो चीजें हैं जिसकी सहायता से कोई भी जो वेव है इंसिडेंट होने के बाद जो वापस लौटेगी उसको रिसीव कर पाएंगे और वही बाद में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना है। सो चार चीजों को ध्यान में रखेंगे तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बहुत आसानी से समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। अब मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर क्या है, हमारा दो तरह के हैं, पीछे हमने पढ़ा भी हुआ था कि भाई अलग अलग वेवलेंथ रेंज के लिए जो हमारे स्कैनर यूज किए जाते हैं उसको आप मल्टी स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट सिग्नल्स, है ना। तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का मतलब जो डिफरेंट सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे जो हमारे स्कैनिंग सिस्टम होते हैं उसको मल्टी स्पेक्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग वेवलेंथ को हम कैसे यूज कर पाएंगे उसका एकदम सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक सेंसर, एक सिस्टम है, हमने डिजाइन किया है, एक एयरक्राफ्ट है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लेन मिला, प्लेन में कुछ नहीं था, केवल सॉयल था, थोड़े समय के बाद ग्रीन ग्रास मिली, फिर उसके बाद फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। तो जैसे से आगे बढ़ेंगे जो सेंसर्स होंगे वो जो सिग्नल होगा, है ना, उसको बदलना पड़ेगा क्योंकि सॉयल के लिए अलग सिग्नल रिफ्लेक्टेंस अलग है, अलग सिग्नल का, वेजिटेशन के लिए अलग है और फॉरेस्ट के लिए अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सिग्नल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वेवलेंथ इमीडिएटली बदलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करना कि इस सारे वेवलेंथ में से कौन सा वेवलेंथ सबसे अप्रोप्रिएट होगा उस पॉइंट के लिए, उसको सेलेक्ट करना और उसके बाद फिर उससे स्कैनिंग करना, दिस इज द वर्क ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। ये दो तरह के होते हैं, एक अक्रॉस ट्रैक और दूसरा अलोंग ट्रैक, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, अक्रॉस ट्रैक दूसरा अलोंग ट्रैक। अक्रॉस ट्रैक मतलब जो हमारा ट्रैक है, ट्रैक के अक्रॉस स्कैनिंग होगी, अलोंग ट्रैक मतलब जो ट्रैक है उसके अलोंग स्कैनिंग होगी, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अक्रॉस द ट्रैक विस्क ब्रूम स्कैनर, विस्क ब्रूम स्कैनर, है ना। अब इसमें हमें क्या होगा, इस साइट को हमें रोटेट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो साइट को रोटेट करने के लिए हमें इस एंगल पर, यहाँ पर एंगल मान लीजिए ई है ना, इस एंगल पर हमें यहाँ पर एक मोटर को रोटेट कराना पड़ेगा, एक मोटर लगा होगा, या इसको आप रोटेटिंग मिरर बोलिए, यहाँ पर मिरर लगा होगा, है ना, जो इसमें लगातार रोटेट होता रहेगा। मिरर की सहायता से ट्रैक को विजुलाइज करना आसान हो जाता है, उसको स्कैन करना आसान हो जाता है। और उसके साथ ये पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी उसी के साथ कनेक्टेड है, सेंसर है, जैसे जैसे इसमें रोटेशन होगा, पहले इधर थोड़ा सा रोटेट होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो सेंसर भी है वो तो लगातार स्कैन कर ही रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एरिया को स्कैन करता जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अक्रॉस द ट्रैक स्कैनर। सी हमारा पॉइंट क्या है, सी हमारा एंगल है, एंगल ऑफ विजन जिसकी सहायता से आप अक्रॉस द ट्रैक मेजर कर पा रहे हैं। जो ट्रैक की आपके ये है डिस्टेंस है, दैट इज एफ, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, ई आपका एंगल है, और डी जो हमारा है, डी आपका वो पॉइंट है जहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट होगी और वो ई एंगल ट्रेवल करने के बाद फाइनल पॉइंट पर पहुँचेगा और स्कैनिंग का एक पोर्शन कंप्लीट होगा, दिस इज द वे। और ये सीरीज ऑफ लाइन्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। तो पहले ये स्कैन करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर ये स्कैन, ये इस तरह से लगातार स्कैनिंग होती जाएगी, क्योंकि इनके साइड लैप्स भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, तो एक ही पॉइंट के कई इमेजेस आपको मिल सकते हैं,
और डिस्टेंस थोड़ी अलग अलग हो सकती है, ठीक बात है कि नहीं। तो इस तरह से आपका रोटेटिंग मिरर की सहायता से, पहला आपका ए पॉइंट पर रोटेटिंग मिरर है, बी पर आपने डिटेक्टर्स या सेंसर्स यूज किए, सी पॉइंट पर आपका जो सेंसर है उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल व्यू डी पर आपको मिल रहा है, एंगुलर व्यू आपका ई पर मिल रहा है, एंगुलर व्यू आपका ई पर था, हम लोगों ने देखा हुआ था, और जो इमेज की विड्थ होगी जिसको स्वैप बोलते हैं वो एफ पॉइंट पर हमने देखा था, जो आपको बता रहा है कि इमेज कितनी विड्थ तक हमको लेना है, ठीक है। ये सारा इस फिस्क ब्लूम स्कैनर, जिसको आप क्रॉस द ट्रैक स्कैनर भी बोलते हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे। दूसरा आपका अलोंग द ट्रैक स्कैनर है जिसका नाम है पुश ब्लूम स्कैनर। पुश ब्लूम स्कैनर में अलोंग द ट्रैक मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लाइट चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको स्कैन भी करना है, सो देयर इज नो नीड टू रोटेट द सेंसर, सेंसर को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए पॉइंट पर यहाँ पर सेंसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बी पॉइंट हमारा क्या है, फोकल लेंथ, मतलब कोई इमेज है उसका किसी फोकस पर, यहाँ पर कुछ इमेज बनेगा ना तो सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो सेंसर्स हैं ये इस लेंस की सहायता से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा इमेज है वो काफ़ी बड़ा इमेज है, उस पूरे एरिया को छोटे से डिस्टेंस में कवर कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने एक तरह का लेंस वहाँ पर यूज किया होगा, है ना। तो ये जो फोकल लेंथ है ये बी पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट पर सेंसर्स अवेलेबल हैं और सी पॉइंट पर वो लेंस अवेलेबल है जिसकी सहायता से सारा कार्यक्रम हो रहा है। और उसके बाद फिर जो ये स्कैनिंग होती है, ये क्योंकि आपने लेंस यूज किया है तो लेंस के लिए अलोंग द ट्रैक एक प्रॉपर व्यू रीजन होगा जिसको वो स्कैन करेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो चूंकि ये जो फ्लाइट का ट्रैक है उस डायरेक्शन में सेंसर को पिक्चर लेने के लिए पुश किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पुश ब्रूम पड़ता है, बस समझ में आ रही, पुश ब्रूम स्कैनर। ये दो तरह के हमारे स्कैनर होते हैं और इसके बारे में एग्जाम में इस तरह से आप लिख देंगे, इसमें बहुत सारा मैटर है, बट यू यूज दिस कि पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट डी क्या है और किस तरह से पुश ब्रूम इसको बोलते हैं। ऐसे पहला वाला जो डायग्राम है विस्क ब्रूम, उसमें भी आप पॉइंट ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और फिर किस तरह से हम कौन सा रे उसमें सेलेक्ट करेंगे, दोनों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ आखिरी बस टॉपिक पर हम आते हैं, रिजोल्यूशन आज का इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। रिजोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो रिजोल्यूशन हम जानते हैं कि भाई अगर कोई हमारा लिस्ट काउंट के नाम से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में जानते थे, और ऐसे हम रिजोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते थे कि रिजोल्यूशन है वो स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी है, मिनिमम क्वान्टिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई सम इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, ओके, ये हमारा हुआ करता था। ऐसे अगर हम इमेज के फार्म में बात करें तो जो सबसे छोटा पिक्सल होता है, पिक्सल साइज, उसी को आप रिजोल्यूशन बोल देते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं पर इंच में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स आ जाएंगे, मतलब पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जब हम इसमें बात करते हैं तो दो तरह के आपके तीन तरह के रिजोल्यूशन आपको दिखाई देते हैं। पहला आपका स्पैटियल है, दूसरा स्पेक्ट्रल है और तीसरा टेम्परल है। तो स्पैटियल ही वो रिजोल्यूशन है जिसको हम लोग बाकी जगह पर भी देखते थे, वह स्मॉलेस्ट साइज, क्योंकि अब यहाँ पर अर्थ सरफेस पर कुछ छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ बड़े ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। तो बड़े ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना आसान है, छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। कौन सा रिजोल्यूशन ज़्यादा होना पड़ेगा, स्पैटियल रिजोल्यूशन। सो स्पैटियल रिजोल्यूशन टॉक अबाउट द साइज, साइज के आधार पर रिजोल्यूशन, छोटी से छोटी साइज को ये मेजर कर सकता है, रिफर्स टू साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट फीचर, है ना। तो ये छोटी से छोटी साइज को मेजर कर सकता है, इफ दैट मतलब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब स्पैटियल रिजोल्यूशन का इसका काफी अच्छा है, ठीक बात है, ये समझ आ गया। दूसरा हमारा है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन वेवलेंथ से रिलेटेड है, अभी आपको क्लियर ही है ना, वेवलेंथ से रिलेटेड है। देखो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी प्रॉपर वेवलेंथ को, जिस वेवलेंथ को ये प्रॉपर मेजर कर पा रहा है या उस वेवलेंथ का जो परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है या उसके लिए इमेज अच्छी मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब उस वेवलेंथ का के रिस्पेक्ट में जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है वो उस डिवाइस का काफ़ी अच्छा है, बात समझ में आ रही। तो किसी पर्टिकुलर चैनल या बैंड का जो वेवलेंथ रेंज है वो बहुत फाइन वेवलेंथ रेंज होगा, जिसके लिए जो बहुत फाइन से फाइन पार्टिकल को आसानी से देख पा रहे होंगे, उस कलर को ठीक से देख पा रहे होंगे, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। अब मैं इसको और ठीक करता हूँ,
आप किसी बैंड को, अगर स्मॉल बैंड भी है उसको आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका रिजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत फाइन वेवलेंथ रेंज को भी आप आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वेवलेंथ रेंज ज़्यादा हुई ऐसे में तो डिवाइस का जो सेंसर सेंसिंग ये आपका रेंज है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन और अच्छा हो जाएगा उसका, ठीक बात है। तीसरा आपका टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम बिटवीन द इमेजेस, और ये टाइम जितना कम होगा टेम्पोरल रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। एक इमेज यहाँ पर कैप्चर किया हमने, और उसके बाद दूसरा इमेज कितने समय के बाद कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ से समझिएगा। तो इसके आधार पर ये होगा कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग नॉर्मली 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको पता है ना। तो 60% से ज़्यादा होने के लिए जो आपका टाइम है वो कम होना पड़ेगा, मतलब दूसरा इमेज और जल्दी ले लेना पड़ेगा, तीसरा भी वो इतनी जल्दी आएगा। तो जितना जल्दी हम इमेजेस को कैप्चर कर पाएंगे, मतलब टाइम जितना इमेजेस के बीच में टाइम को कम रखेंगे उतना उसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा होगा। मतलब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर सेकेंड जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है वो कितने ज़्यादा है। टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा बढ़ेंगे पर सेकेंड, इसका मतलब टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा है। तो इसको दोनों तरीके से, इमेजेस के बीच में कितना समय लग रहा है उसको भी रिफर किया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि पर सेकेंड कितने फ्रेम्स या कितने इमेजेस को कैप्चर कर पा रहे हैं। दिस विल बी नोन एज टेम्पोरल रिजोल्यूशन। एज हाई द नंबर ऑफ इमेजेस पर सेकेंड इज कैप्चर्ड, एज हाई द टेम्पोरल रिजोल्यूशन, ठीक बात है। ये टेम्पोरल रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे चूँकि वीडियोज पर यही हम बना रहे हैं तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इन वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में, आज अगर आप पढ़ाई करते हैं 4 साल के बाद जब आप जॉब में जाते हैं तो आप इंजॉय करते हैं, ठीक बात है कि नहीं। लेकिन आज के समय अगर पढ़ाई आप ठीक से नहीं करते हैं, टाइम को किल करते हैं, तो बाद में टाइम आपके साथ वैसे ही खेल खेलेगा। इसलिए पढ़ाई करें, और वीडियो की सहायता से पढ़ना काफ़ी आसान होता है, सो एंजॉय दिस वीडियोस, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को